हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की सेकंड थ्योरी, जो कि कौन सी है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन कोर्स। तो हमने फर्स्ट में क्या किया था, हमने फर्स्ट थ्योरी की थी एडम स्मिथ की, एब्सोल्यूट डिफरेंसेस इन कोर्स। अब हम सेकंड थ्योरी करेंगे, कौन सी, कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन कोर्स। सेकंड थ्योरी कौन सी है हमारी, तो ये हम करेंगे कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन कॉस्ट। ठीक है, ये रिकार्डियो की थ्योरी है। तो सबसे पहले गिवन बाय किसने दी थी, रिकार्डो ने। ठीक, तो इसके अंदर डेविड रिकार्डो क्या कहता है, पहले हम पुरानी थ्योरी की बात कर लेते हैं। एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट वाली थ्योरी क्या कहती थी कि हमें जिसका प्रोडक्शन हम ज्यादा कर पाते हैं वो ही हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, बट ये क्या कहते हैं कि वो एब्सोल्यूट नहीं होता, क्या होता है, हमारा कंपैरेटिव डिफरेंसेस देखना ज्यादा जरूरी है। वो कहता हमें किस पे जाना है, कंपैरेटिव डिफरेंसेस देखना है कॉस्ट। मतलब कंपैरेटिव का मतलब है कंपेयर करके देखना है हमें कॉस्ट का, किसको कंपेयर करना है, दोनों कंट्री की कॉस्ट को देखेंगे, दोनों कमोडिटी की कॉस्ट देखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रही है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें ट्रेड करने के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल कौन सी कमोडिटी रहेगी। तो ये जो ट्रेड होगा, तो प्रोडक्शन, अब सबसे पहले की जो कॉस्ट है वो हमारी अलग क्यों होगी दूसरे की, दोनों कॉमोडिटी की क्यों होगी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट डिफर क्यों हो सकती है, डिफर इन, तो ये हो सकती है जैसे कि ज्योग्राफिकल डिवीजन, डिवीजन ऑफ लेबर, नेचुरल रिसोर्सेस, ज्योग्राफिकल सिचुएशन, एफिशिएंसी, इन चार कारणों की वजह से क्या होता है कि एक कॉमोडिटी को हम दूसरे कॉमोडिटी के कंपैरिजन में ज्यादा चीपली बना सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे लिए कॉमोडिटी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा वो हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और उसी को हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, और उसी को हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और इम्पोर्ट करेंगे जो हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्यादा लग रही है। ठीक है, तो हम इसकी नेक्स्ट करते हैं अजम्पशन। तो अजम्पशन में फर्स्ट आ जाती है कि टू कॉमोडिटी है, दो है गुड्स, ठीक है, दो कंट्री है, ठीक है, सिमिलर टेस्ट है, लेबर होमोजीनियस है, वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न है, ठीक है, फ्री ट्रेड है, कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है, ठीक है, फैक्टर प्रोडक्शन फुली इंप्लॉयड है। तो ये सारी क्या आ गई, अजम्पशंस आ गई। तो कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन कॉस्ट मतलब डेविड रिकार्डो क्या कहता है कि हमें ये देखना है कि दोनों, ये नहीं देखना कि हमें कौन सी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, हमें ये देखना कि किसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखने किस वजह से कम आती है, ये किस वजह से कम आ सकते हैं, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, ज्योग्राफिकल सिचुएशन या एफिशिएंसी ऑफ लेबर की वजह से हमारी जो कमोडिटी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अलग आती है। ठीक है, तो इसकी अजम्पशन ले लेते हैं, यहाँ पे दो कमोडिटी की बात करते हैं हम, दो ही कंट्री है, दोनों का टेस्ट सिमिलर है, लेबर एक जैसी है, फैक्टर प्रोडक्शन एक ही है,
लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न है, फ्री ट्रेड है, ओल्ड फैक्टर एम्प्लॉयड है, परफेक्टली मोबाइल है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज अनचेंज है। ठीक है, तो हम इसको आगे करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो उसने कंट्री ले ली, एक जगह इंग्लैंड ले ली, एक जगह पुर्तगाल ले ली। ठीक है, वाइन ले लिया कमोडिटी, एक क्लोथ ले लिया। ठीक है, इंग्लैंड क्या कर रहा है कि वन यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर वन यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, तो मैन देखेंगे कितने लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वन यूनिट बना रहे हैं वाइन की, तो इंग्लैंड 120 लेबर यूज कर रहा है, 120 मैन यूज करेगा। और यही अगर हम क्लोथ बनाते हैं तो वो कितने, 100 मैन यूज करेगा। अब उत्कल की बात करते हैं कि वो 80 मैन यूज करेगा अगर वो वाइन बना रहा है, और अगर वो क्लोथ बना रहे हैं तो वो 90 मैन यूज करेगा। तो यहाँ से देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि अब ये लेबर लग रही है, तो लेबर को ऑब्वियस सी बात है वेजेस देनी पड़ेगी। अगर वेजेस देंगे 120 को देंगे तो ज्यादा वेजेस देनी पड़ेगी। यहीं हम वाइन के लिए 80 लेबर को वेजेस देंगे तो हमारी कम पड़ेगी। तो अगर हम पहले एब्सोल्यूट की बात करें कि हमें प्रोडक्शन एब्सोल्यूट एडवांटेज किसको है, पुर्तगाल को है दोनों में ही, एज कम्पेयर टू इंग्लैंड, क्योंकि उसको 80 मैन लग रहे हैं और इसको 120 मैन लग रहे हैं। यहाँ पे 90 लग रहा है और 100 लग रहा है। इंग्लैंड को दोनों कॉमोडिटी में ही ज्यादा मैन की जरूरत है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों में ही उसकी ज्यादा है। बट अब हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिफरेंस देख रहे हैं, तो हमें कंपेयर करना है वाइन और क्लोथ में, या हम वाइन को वाइन से भी कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में ही हमें किसकी, अगर हम पहले पुर्तगाल की बात करते हैं कि उसको किसके में ज्यादा एडवांटेज है, तो उसको देखे तो 80 मैन वाइन में ज्यादा हुआ। ठीक है, 80 अगर वो करेगा तो उसको ज्यादा कंपेरेटिव एडवांटेज होगा और वो यही एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि वो वाइन कितने, वाइन में इंग्लैंड को 120 मैन लग रहे हैं जबकि पुर्तगाल में 80 लग रहा है, तो वो किसका पुर्तगाल करेगा, तो पुर्तगाल किसका करेगा, प्रोडक्शन वाइन का। ठीक है, एक्सपोर्ट भी क्या करेगा, वाइन ही करेगा। ठीक है, यहां इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड को एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, पर हमें कंपेयर करना है उसको किस में ज्यादा है। अगर उसको पुर्तगाल से करे तो वो दोनों को ही उसको ज्यादा पड़ रहा है, पर अगर हम वाइन क्लोथ में कंपेयर करें तो उसको किस में ज्यादा हो रही है प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन की कॉस्ट किस में कम लग रही है, क्लोथ में। ठीक है, क्लोथ ही वो एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, पुर्तगाल दोनों में ही इंजॉय करेगा, उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है, जबकि इंग्लैंड को क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज है। ठीक है, इसे ग्राफ देख लेते हैं। तो जो हमारी पीएल, तो ये हमारी पीएल है, ये किसकी है पीएल, हमारी है पुर्तगाल की। ठीक है, ये हमारी इंग्लैंड की है। तो ये हमारी इंग्लैंड की है। ठीक है, अब पुर्तगाल को तो दोनों में ही बेनिफिट हो रहा है, वो तो ज्यादा ही प्रोडक्शन कर पा रहा है ओपी और ओएल, जबकि इंग्लैंड को कम हो रहा है प्रोडक्शन। यहाँ पे वाइन है, यहाँ पे क्लोथ है। ठीक है, अगर देखें इंग्लैंड ओजी बना रहा है जबकि पुर्तगाल ओएल बना सकता है, क्लोथ के लिए ओई बना सकता है इंग्लैंड, और जो पुर्तगाल है वो ओपी बना सकता है। ठीक है, मतलब कि उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों में ही। बट हम क्या करेंगे, अब ई आर एक पैरेलल लाइन खींचेंगे ताकि हमें ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज देख सके। ठीक है, किसको कितना करना है, तो यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन शो करेंगे। ठीक है, अब अगर पुर्तगाल को कितना चाहिए, अगर उसको, अब वो क्या कर रहा है, पुर्तगाल सिर्फ वाइन बना रहा है तो उसको क्लोथ चाहिए, तो क्लोथ इंग्लैंड वाले कितने बना रहे हैं, ओ ई बना रहे हैं, तो ओ ई के एक्सचेंज में पुर्तगाल कितना बनाएगा, ओ आर बनाएगा। ठीक है,
अब वो ओ आर के एक्सचेंज में बनाएगा तो उसको ओल्ड इंपेरेटिव क्लॉज कम पड़ेगी, पहले वो ओ एल बना रहा था अब वो ओ आर बनाएगा तो उसको क्या है एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा इससे। तो ये ही हमारी रिकार्डो की थ्योरी कहती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है आज का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।